आज की वीडियो में हम लोग कलर करेक्शन के ऊपर बात करने वाले। कलर करेक्शन क्या होता है, कैसे होता है और इसको कैसे पता करते हैं। जब तक आप कोई काम कर रहे होते हैं और आपके पास बार बार एक कमेंट आएगी कलर करेक्शन बता दो, तो वाजिब हो जाता है कि आप कलर करेक्शन को बताएं। तो मैंने भी आज सोचा कि कलर करेक्शन को मैं बताऊंगा, और मैं एक आपसे कमिटमेंट कर रहा हूं कि पूरे यूट्यूब पे और पूरे आज तक जितने मेंटर्स आपने सीखा होगा, ये जो मैं ट्रिक बताने वाला हूं, ये शायद आपने कभी अपने ज़िंदगी में नहीं सुना होगा, क्योंकि ये ट्रिक मैंने बनाया हुआ है। ये बिहारी टेक्नोलॉजी है, बिहार का ट्रिक है जो आपको बताएगा कलर करेक्शन की सारी चीज़ों के बारे में। मतलब ये कि कलर करेक्शन अगर करना है तो पहले ये कैसे पता करेंगे कि कलर करेक्शन की प्रॉब्लम इसमें है, और प्रॉब्लम है तो क्या प्रॉब्लम है। ऐसे नहीं कि मैं ये बताऊंगा ऐसे कर दो वैसे कर दो वैसे कर दो, क्यों कर रहे हैं उसके रीज़न भी बताऊंगा। और ये वीडियो जो है वो लंबी होगी और पार्ट वाइज बनेगी भाई साहब। अगर आपको कलर करेक्शन में प्रॉब्लम है, मैं एक बार में इतनी लंबी वीडियो नहीं बना सकता हूँ और ना ही मैं डालूंगा ताकि लोग बोर हो जाए। मैंने इसको पार्ट बाई पार्ट बनाना है। अगर आपको देखना होगा तो पार्ट बाई पार्ट इसको क्लियर करेंगे। ये आपको 5 से 6 पार्ट के अंदर कलर करेक्शन की वीडियो मिलेगी पार्ट बाई पार्ट। और ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ इसमें आपको मैं फार्मूला बताऊंगा पहली बार यूट्यूब पे कि कलर करेक्शन का क्या फार्मूला, और जो ये पेड कोर्सेज में नहीं बताए जाते वो चीज़ मैं फ्री ऑफ कॉस्ट आपको देने वाला हूँ आज वीडियो में, बने रहिएगा। और सबसे पहले कलर करेक्शन का बताते हैं कि फार्मूला क्या है। जो लोग वेडिंग एल्बम बनाते हैं, मेरी वीडियोज़ देखते हैं, वो लोग बिल्कुल अपना ध्यान इस तरफ कर लीजिए। और यहाँ पे स्टार्ट होता है, पहले आपके सामने मैं लाता हूँ कलर करेक्शन का फार्मूला। और फार्मूला क्या है, यहाँ पे मेरे साथ आपको बोलना है एक बार शिफ्ट के साथ। क्या बोलना है, एक बार शिफ्ट के साथ बार बार एल्बम को कंट्रोल करो, बस इतना ही बोलना है आपको। मतलब क्या है कि अगर मैं दिखाऊं तो एल्बम में क्या क्या है, ALBUM एल्बम, और यहाँ पे फॉर्मूला एक बार शिफ्ट के साथ बार बार कंट्रोल, यानी कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ए, कंट्रोल एल, कंट्रोल बी, कंट्रोल यू, कंट्रोल एम, ये बस आपको याद रखना है। इसी से बनेगी आपकी पूरी एल्बम। अब यहाँ पे एल्बम को हम लोग कैसे बनाएंगे ये देखते हैं। तो एल्बम बनाने से पहले कलर करेक्शन को देखते हैं, बिल्कुल। तो कलर करेक्शन को देखने के लिए हम लोग यहाँ पे एक फ़ोटो लेते हैं दूल्हे राजा जी की, और हम लोग अपने फार्मूला के हिसाब से पहला जो काम है वो करते हैं कंट्रोल शिफ्ट ए। कंट्रोल शिफ्ट ए कर सकते हैं, या फिर आपके पास अगर कंट्रोल शिफ्ट ए या ऐसे इनेबल नहीं हो रहा है क्योंकि ये जेपेग फोटो है, तो अगर बटरफ्लाई ऐप यूज़ करते हो तो यहाँ पे आप डायरेक्टली टचअप पे क्लिक करेंगे। अब क्या होगा भाई साहब कि ये फोटो डायरेक्ट चली जाएगी रॉ में, रॉ के अंदर ये खुली हुई है, जेपेग फोटो है। अब सबसे पहले मैंने आपको बोला है कि इसमें पहले पार्ट में मैं बताऊंगा आपको कि कैसे आपको एग्जामिन करना है, टेस्ट करना है कि आपकी फ़ोटो में क्या प्रॉब्लम है। मतलब थर्मामीटर लगा के पहले बुखार चेक कर लेना है, उसके बाद चोटागिरी एकदम नहीं, काम में खराबी एकदम नहीं। तो अब यहाँ पे कैसे हम लोग करेंगे कि यहाँ पे आपको मैं बताऊंगा कि आर जी बी से बनती है कोई भी फोटो। तो रेड ग्रीन ब्लू इसका फुल फॉर्म है। अब सबसे पहले यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ECG रिपोर्ट आ गया है यहाँ पे, ठीक है ना। तो यहाँ पे पता नहीं, इसको लोग हमेशा इग्नोर कर देते, जबकि ये कैमरे पे भी दिया जाता है, ये बहुत ज़रूरी है। पूरी कलर करेक्शन में आपको सबसे ज़्यादा हेल्प यही चीज़ करने वाली है। तो ये जो एरिया है आपको, तो ये बताएगा। अब इसमें आपको समझना क्या होगा कि तीन चीज़ों से फोटो बन रही है, तीन कलर तो हो गए RGB, रेड ग्रीन ब्लू, और तीन चीज़ें। तो दाएं तरफ जो है वो आपकी रोशनी होती है, बाएं तरफ जो है वो आपके अंधेरा होता है। हमेशा आपने देखा होगा तमराज किलविश शक्तिमान में, तो शक्तिमान रोशनी की तरफ था और तमराज किलविश क्या कहता था, अंधेरा कायम रहे। तो ये दाएं तरफ हाईलाइट्स होगी और बाएं तरफ शेडो होगी, लेफ्ट में शेडो राइट में हाईलाइट, और बीच में होगा मिड टोन, बीच में होगा मिड टोन। अब देखना आप ये तीन बात जो मैंने अभी आपको बताया इसी के ऊपर पूरी की पूरी कलर करेक्शन करेंगे हम, और पता करेंगे कि भाई क्या है। तो ये हमारा जो हिस्टोग्राम यहाँ पे खुला हुआ है इसमें हम देखेंगे, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि बाएं तरफ जो है इस तरफ, यहाँ पे जब आप इस कॉर्नर पे आएंगे यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है शेडो क्लिपिंग वार्निंग, और यहाँ पे लिखा हुआ है हाईलाइट क्लिपिंग वार्निंग, और मिडिल में क्या लिखा हुआ है, कुछ भी नहीं, मगर ये क्या है, मिड टोन। अब यहाँ पे अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई साहब इस फोटो में क्या प्रॉब्लम है, तो यहाँ पे आपको मुझसे पूछने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे आप देख सकते हैं शेडो वाला एरिया जो इसका, ये बहुत ऊपर है, तो इसका लेवल क्या होना चाहिए, बीच में ऊपर और दोनों तरफ बैलेंस्ड, लेकिन ऐसा नहीं है। हाईलाइट यहाँ पे बहुत ज़्यादा डाउन है, और कौन सा कलर ज़्यादा ऊपर जा रहा है फोटो में वो भी आपको यहाँ पे बिल्कुल भली भांति दिख रहा होगा। अब यहाँ पे आप जैसे ही टच करेंगे तो सबसे पहले दिखे आप ब्लैक, तो ब्लैक जो है आपका वो बैलेंस में ही दिख रहा है। ब्लैक के जिस जगह से ब्लैक से प्रॉब्लम हो सकती थी वो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बगल में आप जैसे टच करेंगे यहाँ पे लिखा हुआ शेडो,
आप शेडो पर जैसे देखेंगे यानी कि शेडो बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है, तो यहाँ पे आप इसको क्या कर सकते हैं, बैलेंस कर सकते हैं, शेडो पे काम करेंगे। फिर बीच में क्या, एक्सपोजर, एक्सपोजर कम है, एक्सपोजर बिल्कुल नीचे है, और बगल में हाइलाइट्स है, और उसके बगल में यहाँ पे वाइट है, तो वाइट भी बिल्कुल बिल्कुल नीचे चला गया है। तो आपको यहाँ पे वाइट, हाइलाइट, एक्सपोजर और शेडो और ब्लैक, ये पांच एरिया आपके समझ में आ गई। तो अब आपके जब यहाँ पे ये समझ में आ गई तो किसको बढ़ाना और किसको घटाना आपको वो भी पता चल गया। अब ये चीज़ नीचे लिखी होती है, साथ ही साथ अगर ये रॉ में फोटो होती तो यहाँ पे प्रोफाइल ज़्यादा आपको मिलती, यहाँ पे क्योंकि जेपेग है तो प्रोफाइल कम मिली है। और यहाँ पे हम लोग जो देख रहे हैं ये बेसिक देख रहे हैं, इसके नीचे और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं जिसको अगर आपका वीडियो पे सपोर्ट मिला तो मैं एक एक करके एक एक चीज़ बता दूंगा आपको, लेकिन अभी बेसिक से ही बहुत काम कर सकते हैं हम लोग। सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ वाइट बैलेंस, दोस्तों प्रिज्म जो होता है इंडिगो, इंद्रधनुष, उसका क्या फॉर्मूला होता है, जब एक सफ़ेद किरण एक वस्तु को आर पार कर रही है तो वहाँ से सात रंग बन रहे हैं जिसको हम लोग वेव गॉयर भी बोलते हैं, तो सात रंग के इंद्रधनुष बनते हैं। तो अगर वाइट आपकी सही पार होगी तो सात कलर भी सही बनेंगे, अगर वाइट नहीं सही से पार होगी तो सात कलर भी सही से नहीं बनेंगे। तो यहाँ पे जो हमारे पास है वो है वाइट बैलेंस, तो वाइट बैलेंस अगर हमने सही कर दिया तो फोटो की कलर्स अपने आप ठीक हो जाएगी। वाइट को क्या है, आपको पूरी फोटो में से कहीं से वाइट ढूंढ के लाना है और बता देना है। तो मुझे यहाँ पे वाइट दिख रहा है, मैंने इस पर क्लिक कर दिया, या आंखों के बीच में आपको वाइट मिल सकता है, या दांतों पे आपको वाइट मिल सकता है, जहाँ पे भी आपको वाइट दिख रहा है आप उस पर जाके कर सकते हैं, या फिर पूरे ब्लैक पे कर सकते हैं। तो एक लेवल तक आपके जो कलर्स है वो करेक्शन में दिखाई देने लगेंगे। तो ये आपको दिख गया कि भाई कुछ तो कलर करेक्शन यहाँ पे हुई है, लेकिन फोटोज़ में ओवरऑल अभी बहुत काम बाकी है। और कलर करेक्शन को आप कभी भी स्किन से रिलेट नहीं करेंगे, स्किन एक अलग चीज़ होगी, कलर मैं अभी बता रहा हूँ और ये पहला पार्ट बता रहा हूँ मैं आपको। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो सबसे पहले क्या है, यहाँ पे शेडो, शेडो यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, तो हम लोग क्या करते हैं कि शेडो को कम करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। ये देखिए शेडो है ना, तो ये प्लस हो रहा है। अब शेडो जैसे मैंने इसको ऐसे करके बढ़ा दिया, तो ये जो हमारा ग्राफ है, ये ग्राफ क्या हुआ, एक्सपोजर की तरफ ज़्यादा बढ़ गया। देखिए ये शेडो से निकल के एक्सपोजर पे चला आया, और अब जो मेरी फोटो है वो पहले से ज़्यादा क्लियर हो गई है, तो ये शेडो से निकल के एक्सपोजर आ गया। अभी भी एक्सपोजर और बढ़ाने की ज़रूरत है क्योंकि एक्सपोजर यहाँ पे डाउन है और मिडिल अप होना चाहिए, दोनों तरफ बैलेंस होना चाहिए, मैंने आपको पहले बताया था। अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा एक्सपोजर दे रहा हूँ, तो अब आप देखेंगे कि एक्सपोजर एरिया में ये ज़्यादा आ गया और शेडो एरिया में कम आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे मेरे पास क्या, हाईलाइट्स, हाईलाइट्स में रेड कलर बहुत ज़्यादा हाई हो रहे भाई साहब, है ना, तो हम हाईलाइट्स को थोड़ा कम करेंगे ताकि हमें डिटेल्स को, जैसे इसके कपड़े पे डिटेल्स है वो हम देख पाएंगे कि हमने हाईलाइट्स के साथ क्या किया, ठीक है। अब जैसे हमने हाईलाइट्स को कम करना शुरू किया तो आप देखेंगे वो भी घसक के एक्सपोजर वाले एरिया में चला आया, तो धीरे धीरे ग्राफ क्या है, बीच की तरफ जाने लग गया और इधर बैलेंस बनना शुरू हो गया। तो एक्सपोजर के साथ हम जब देखते हैं तो इस तरीके से हमारे पास पता चलने लगता है। तो आप देखेंगे धीरे धीरे फोटोज़ में चेंजेस किस तरह से आ रहे हैं। अब इस तरफ क्या है भाई साहब, वाइट, तो वाइट जो हमारा है वो पूरा का पूरा कम था, उसको हमने थोड़ा बैलेंस किया यहाँ पे, अब हल्का हल्का हमारे पास वाइट भी आ गया। तो हमारी जो फोटो में कलर की प्रॉब्लम है तो एक लेवल पे तो ये भाई साहब ख़त्म हो गई, जो अभी मैं इसको ओके कर देता हूँ। और आप देखेंगे मैं हिस्ट्री यहाँ पे ओपन करूँगा, विंडोज़ के अंदर आप जाके हिस्ट्री पे क्लिक करेंगे तो जो फ़ोटो खुली थी हमारी वो ऐसी थी, और जो फ़ोटो हमने सिर्फ अभी कंट्रोल शिफ्ट ए एक चीज़ करी है तो कलर आपकी कितनी ज़्यादा डिफरेंट हो गई है। तो इसमें से कलर को आप बैलेंस कर सकते हैं बिल्कुल आसान तरीके से, आप समझ गए हैं। तो इस वीडियो में हम लोग इतने पे ही ख़त्म करेंगे, कलर बैलेंसिंग के जो दूसरा है फॉर्मूला कंट्रोल शिफ्ट के साथ हम लोग बना रहे हैं, आगे कंटिन्यू करते हैं, दूसरे वीडियो में मिलता हूँ आपसे। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब इस बार आपको करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा क्योंकि इस बार सब्सक्राइब नहीं किया तो आने वाली जो नेक्स्ट वीडियो पार्ट टू, पार्ट थ्री, पार्ट फोर, पार्ट फाइव वो आपका मिस हो जाएगा। तो मेरे लिए मत कीजिएगा सब्सक्राइब, अपने लिए कर लीजिएगा। धन्यवाद।